एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटोन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है एंड बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की इक्वल है, एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंटर करते हैं रीजन में जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इफ देयर मासेज आर डिनोटेड बाय, इसका मास एम ई है और इसका एम पी है, देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई इलेक्ट्रॉन टू प्रोटोन ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट इज, हमें रेशियो निकालने हैं इलेक्ट्रॉन टू प्रोटोन पे, सो आर इक्वल एम वी अपॉन में क्यू बी, ये होता है, और हमारे पास एनर्जी है और मास है, एनर्जी इस फॉर्मूले में नहीं है सो हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से इसकी निकालेंगे, ये हो गया वी एम, वी की जगह रखा क्यू ई डिवाइड बाय एम, अब ये एम अंदर जाएगा सो ये स्क्वायर में जाएगा अंदर डिवाइड बाय एम से कट, सो जो आर गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गया है ई एम के, सो पहले वाले की आर ई डिवाइड बाय आर पी, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम थी, सो अगर हम ई वन अपॉन में ई टू करें तो वो कट जाएगा क्योंकि वो सेम है, मास जो है इसका एम ई है और इसका एम पी है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी दोनों कट हो जाएंगे, और क्यू दोनों का वन ही होता है, सो आर ई अपॉन में आर पी इक्वल एम ई अपॉन में एम पी आ गया।